पटना में अमित शाह पर स्टिंगर मिसाइल से हमले की आशंका। हाई अलर्ट पर पुलिस, रात भर चली वाहनों की जांच। गृह मंत्री के आगमन से पूर्व सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर होटल के रजिस्टर की जांच करते कोतवाली थाना अध्यक्ष। अमित शाह का शनिवार को पटना और पश्चिम चंपारण में दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर एडीजी सुरक्षा की ओर से अलर्ट जारी है। अमित शाह पर स्टिंगर मिसाइल से हमले की आशंका के बीच हेलीपैड से लेकर सड़क मार्ग पर सुरक्षा इंतजाम को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह पर स्टिंगर मिसाइल से हमले की आशंका को लेकर बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। अमित शाह का शनिवार को पटना और पश्चिम चंपारण में दौरा प्रस्तावित है। इसको लेकर एडीजी सुरक्षा की ओर से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें गृह मंत्री के हेलीकॉप्टर हेलीपैड से लेकर सड़क मार्ग पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किया गया है। जारी पत्र में बताया गया है कि आतंकियों के पास अधिक दूरी तक मार करने वाले रॉकेट स्टिंगर मिसाइल उपलब्ध हो जाने से विशिष्ट अतिथियों की सुरक्षा पर खतरा अधिक बढ़ गया है। इसके बाद शुक्रवार को रात भर पटना के सभी थाना क्षेत्रों में वाहनों की जांच होती रही। होटलों, बस अड्डों और स्टेशनों पर तलाशी अभियान भी चलाया गया। हालांकि किसी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु के मिलने की जानकारी सामने नहीं है। पटना और पश्चिम चंपारण की किलेबंदी अलर्ट के साथ गश्ती बनाने, सघन जाँच से लेकर हेलीपैड पर एकत्रित व्यक्तियों को नियंत्रित करने के लिए हवाई अड्डा ने व हेलीपैड के चारों तरफ बैरिकेडिंग व पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की बात कही। हवाई अड्डा के बाहर चप्पे चप्पे पर पुलिस पदाधिकारी व जवान तैनात रहेंगे। वहां से बापू सभागार और राजकीय अतिथि शाला में भी एंटी सबोटेज जांच की गई। अधिकारियों ने बताया कि पटना और पश्चिम चंपारण में किलेबंदी रहेगी। कार्यक्रम स्थलों पर स्वान दस्ता और बम निरोधक दस्ता की तैनाती की गई है। गृह मंत्री के आगमन पर पटना साहिब में गूंजेगा जी आयानु। गृह मंत्री अमित शाह का शनिवार को पटना साहिब में पहाड़ी पर मेहंदीगंज पेजावा चौक शिकारपुर और शहीद भगत सिंह चौक पर भव्य स्वागत होगा। तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में गृह मंत्री मथा टेक कर गुरु घर का आशीर्वाद लेंगे। शुक्रवार को यहां तथा आने वाले मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई एजेंसियां चौकस दिखी। पुलिस प्रशासन की भी सक्रियता बढ़ी रही। दशमेश गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज के जन्म स्थल पर उनके पहुंचते ही सभी जी आयानु यानी आपका स्वागत है कहकर स्वागत करेंगे। फूलों की वर्षा होगी, ढोल मंजीरा के साथ बैंड बाजे बजेंगे। स्वागत की तैयारियों का जायजा शुक्रवार को विधायक नंद किशोर यादव ने लिया।